तो आज मैंने ना आटा और सूजी मिक्स करके अरे परचेज किया था जो ये बहुत ही अच्छा अम्ब्रेला है ये। अच्छा जी आज भी पूरा खाने से यम्मी से पैनकेक प्लेट इज रेडी फॉर यू सर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का जो हमारा दिन है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हुआ था क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, स्पेशली अर्थ की भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। बट हाँ, अर्थ क्योंकि अभी प्री स्कूल में ही है तो इतना उसकी एक्टिविटीज़ में उसको केवल फैंसी सभी होता है। बट हाँ, अथर्व की जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है इट मीन्स उसके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्योंकि अथर्व के ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं होते तो उसके मंथली या वीकली उसके कोई ना कोई डिक्टेशन, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन उसका रहता ही है। तो आज उसका कोई म्यूजिक कंपटीशन था जिसमें उसको एक सॉन्ग गाना था, तो बस यही सब प्रैक्टिस चल रही थी और साथ में अर्थ भी यहाँ पर लगा हुआ था। तो दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था और इस टाइम पर बस दोनों ही अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द मॉमी शोज। तो आज है थर्सडे और अभी 11 o'clock के अराउंड टाइम हो रहा है। तो बच्चों के मैं दोनों के टिफिन रख रही हूँ। तो आज दोनों ही बच्चों की एक्टिविटीज हैं स्कूल में। अथर्व का तो थोड़ा बहुत कंपटीशन वगैरह रहता है बट ये है कि अर्थ के स्कूल में आज रेड डे एक्टिविटी है तो उसको रेड टिफिन, रेड ड्रेस यही सब बना के भेजना है। तो उसकी फर्स्ट एक्टिविटी है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ना जब बच्चों की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। स्पेशली प्री स्कूल में तो बहुत सब कुछ होता है, रेड डे है, आज येल्लो डे है, मंथली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस अभी मैं टिफिन पैक करूंगी दोनों के। बट बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि कहीं छुट्टी ना हो जाए आज क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा ही खराब है। सो लेट्स सी कैसा रहता है। तो आज मैं शायद ऑटो में लेके जाऊंगी दोनों बच्चों को क्योंकि इतना मौसम खराब है तो स्कूटर से तो नहीं जा पाऊंगी और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, भीग भीग जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। सो बेटर यही कि ऑटो में चले जाते हैं। सो चलिए फिर फटाफट से पहले टिफिन रख देते हैं। स्कूल में ना आज रेड एक्टिविटी है तो उसको ना एक ऑब्जेक्ट भी कैरी करना था। तो ये हमने लेना उसके, हमने उसके लिए पेंसिल बॉक्स बहुत पहले परचेज किया था जो अब तक यूज़ नहीं हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि उसको मैं यही दे देती हूँ स्कूल के लिए। तो मैंने ना इस टाइप से रखा हुआ है, रेड पेंसिल है, रेड कलर है और एक रेड स्ट्रॉबेरी इसमें इरेजर है, घर पे रखा हुआ था तो मुझे लगा मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। तो ये पेंसिल शार्प नहीं है क्योंकि शार्पन पेंसिल्स भी अलाउड नहीं है स्कूल में, इस वजह से एक ये रखा है मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट। और एक ये छोटा सा टॉय भी रखा हुआ था घर पे, ये अर्थ का, तो ये भी मैंने रख दिया इन केस बच्चे कुछ एक से दो लाते हैं। और जब से हमने अर्थ का ये वाला बैग लिया है ना लिटरली इतना ज़्यादा कंफर्टेबल वो लगता है ना स्कूल जाने में भी, मुझे बहुत सही लगता है, बहुत ही अच्छा बैग है ये। और बहुत ही ना मतलब बोलते ना कि यहाँ वहाँ से निकला हुआ नहीं। तो अथर्व का बैग भी हमने एक्चुअली वहीं फर्स्ट ट्राई से ही मंगवाया था, काफ़ी अच्छा इसका भी मटीरियल है। तो यार होता है ना कई बार क्वालिटी बहुत अच्छी है वैसे इन दोनों ही बैग की। तो दोनों बच्चों को रेडी करके मैं निकल गई थी उनको ड्रॉप करने स्कूल के लिए। तो थोड़ा सा ना बारिश कम हो गई थी तो मुझे लगा मैं स्कूटर पे ही फटाफट से चल जाती हूँ। बट जैसे ही अर्थ बस एंटर हुआ ना स्कूल में उसके बाद बारिश बहुत ही तेज हो गई थी तो हम लोगों ने बस थोड़ी देर बाहर वेट किया। बच्चों को ड्रॉप करके और स्वेटिंग भी और थोड़ा बहुत मैं भीग भी गई हूँ रेनसूट में भी ना इतनी तेज। एक्चुअली जब वहां से निकली ना स्कूल से तब तो सही थी, थोड़ा कम थी तो इसलिए निकल गई फटाफट से मैं स्कूटर पे। हाँ, रास्ते में इतनी तेज हो गई थी ना बारिश तो अभी मैंने सबके जो रेनसूट है वो बाहर रख दिया ड्राई होने के लिए। ना मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग करूंगी उसके बाद मैं चाय वगैरह कुछ पीऊंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और पता है क्या, कल ना हम लोगों ने एक्चुअली ईट क्लब से कुछ मंगवाया था, नॉनवेज वगैरह कुछ मंगाया था तो उसके साथ ना अम्ब्रेला फ्री आया है। तो मैं आपको दिखा, तो ये अम्ब्रेला एक्चुअली कल फ्री आया है और ये इतना सही है ना, बहुत ही अच्छा अम्ब्रेला है ये। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें ईट क्लब लिखा हुआ है, सब जगह इसमें ईट क्लब लिखा हुआ है, पर ठीक है यार आजकल वेदर के अकॉर्डिंग साथ में गिफ्ट्स भी देने लग गए हैं ये लोग। तो जब भी मैं बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ ना तो घर में आके मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, यही मैंने अपना रूटीन यही सेट करा हुआ है क्योंकि ये वाला टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्लीनिंग करूँगी ना तो एटलीस्ट वो थोड़ी देर के लिए स्टे करने वाली है। अदरवाइज जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो आप कितनी भी क्लीनिंग करो और लगता ही नहीं है कि घर जो है वो क्लीन है। तो कुछ ना कुछ मैं करती हूँ, चाहे फिर मैं बच्चों के टॉयज ऑर्गेनाइज करती हूँ या फिर मैं कुछ क्लोथ्स वगैरह मैं फोल्ड कर देती हूँ तो काफ़ी सही मुझे लगता है।
घूमने चलो, बस बारिश में ऐसा लगता है कि बस बाहर कहीं चलते हैं। काफी वेदर में काफी चेंज हो गया है और यार मॉनसून आते ही बच्चों का रखे ध्यान, क्योंकि बस यही वाला वेदर होता है जो थोड़ा चेंज होता है ना, जब ये वेदर गर्मियों से एकदम से जब मॉनसून आता है तब बच्चों के बीमार होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या मॉर्निंग में भी अथर लगा हुआ था, मम्मी कुछ स्पेशल कुछ बनाते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, तो लेट्स सी आज मैं क्या बना पाऊंगी, क्या क्या अवेलेबल है घर पे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हाँ, वरना जनरली कुछ ना कुछ चीज अगर मिसिंग होगी तो आज लाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं, तो चले पहले चाय मैं पी लेती हूँ। बस तो ना आज मैंने मॉर्निंग में कर लिया था थोड़ा बहुत, तो इस वजह मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं है, तो मैंने सिंपल बस चाय बनाई है अपने लिए। और एक है ये कोकोनट कुकी जो मुझे आजकल काफ़ी अच्छी लग रही है, इनफैक्ट अथर भी इसको बहुत ही शौक से खा रहा है, तो अभी बस मैं यही खा लूंगी। तो मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए पैनकेक बनाने के लिए, क्योंकि पैनकेक का सारा सामान मेरे घर में आज अवेलेबल था, तो मुझे लगा चलो मैं यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पॉसिबल हो तो जैगरी पाउडर ही ऐड करें। थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा है और 1 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया था और 1 पिंच यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट को एनहांस करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छे से सबको मिक्स कर दें और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड करते रहें और इसमें अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जैसे केक की कंसिस्टेंसी आती है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। बहुत ही फ्लफी हो जाएगा क्योंकि ये मैदे का है, तो ये बहुत ही फ्लफी हो जाता है, जैसे केक का बैटर होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही इसका बैटर रहता है। आप चाहें तो इसमें मीठा आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें शहद भी ऐड सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा लगता है। और भी जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ना फ्लेवर के लिए आप इसमें कर सकते हैं, बट मेरे पास इतना ही सामान था तो बस मैं ऐसे ही इसको बनाने वाली हूँ। केक की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर दी और मैं रेडी हो गई हूँ अर्ट को पिकअप करने के लिए। तो अभी ना वेदर मतलब ऐसा ही है यार, आज बारिश का ही मौसम हो रहा है, तो कभी बारिश हो जाएगी तो बेटर है कि मैंने अपना जो पिक्चर है वो पहन लिया है। तो चलिए अभी फटाफट से उसको लेने चलते हैं। अर्थ का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था क्योंकि उसको ना बहुत इरिटेशन होती है, एक तो गर्मी भी हो रही है और फिर अगर रेन सूट वगैरह पहन लो तो स्वेटिंग भी होने लग जाती है, तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। तो बस वही था, फटाफट से मैंने उसका रेन सूट खोला यहाँ पर, उसके बाद फिर मैंने उसको करवाया लंच। अर्थ का टिफिन आज भी पूरा खाली है और अर्थ को ना आज बुक भी मिली है जिसमें उसकी फर्स्ट वर्कशीट है जहाँ पर अपनी फोटो पेस्ट करनी है, और उसकी EVS की उसको बुक मिली है। यहाँ पर खूब सारी बातें करते करते उसका लंच भी मैंने रेडी कर दिया था। स्कूल से आते साथ ही वो बहुत सारी बातें बताता है, बट सीरियसली मुझे कुछ भी ढंग से समझ में नहीं आता सिवाय कुछ 2-3 वर्ड्स के जो थोड़े से जाने पहचाने होते हैं। खाना हो गया और मैं उसके लेकर आई हूँ थोड़ा सा हल्दी वाला दूध, तो क्योंकि ना यार अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ा बेटर है बच्चों को हल्दी दूध देना स्टार्ट कर दिया जाए। मौसम में बच्चों को ना काफी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं और अर्थ को तो हर चीज बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो बेटर है थोड़ा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। समझ में आई, तो थोड़ा सा ही पीता है ये, ज्यादा नहीं पीता है इस टाइम पे मिल्क ये, बट ये कि आई प्रिफर कि थोड़ा सा दिया जाए सोने से पहले जिससे इसको अच्छी से नींद आ जाए, क्योंकि काफी लंबी है नैप लेता है इस टाइम पे ना। तो अर्थ ना सो गया है, अभी 5 बज रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स वगैरह लाई हूँ कटिंग चॉपिंग के लिए। रात को मैं थोड़ा सा नूडल्स वगैरह कुछ बनाती हूँ, बहुत टाइम से बनानी है, बट सारी वेजिटेबल्स नहीं है घर में, बट जो भी है चलो उसी से ही मैं थोड़ा बहुत बना दूंगी। और तब तक मैं थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेती हूँ यार, मुझे ना भूख लग जाती है इस टाइम पे। 6 o'clock पे मैं जाऊँगी अथर को लेने के लिए, आज उसकी अबैकस की क्लास भी है, तो फिर देखती हूँ वेदर कैसा रहता है आज फिर। तो आजकल ना दोनों बच्चों को सेट करने के लिए, दोनों बच्चों का रूटीन सेट करने के लिए ना मैंने अपना रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब करा हुआ है। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा ठीक करा जाए, बट चल रहा है बस जब तक चल रहा है। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि बहुत ज़्यादा ही हो गया है उस दिन मैं अपना रूटीन जो है वो भी थोड़ा ठीक करूँगी। 6 o'clock पे अथर्व आ जाता है घर, उसको भी मैं देती हूँ थोड़ा सा हल्दी वाला दूध, बट थोड़ा सा उसमें बॉर्नविटा भी ऐड करती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा फ्लेवर पसंद आता है। और उसके लिए भी मैंने पैनकेक बना दिए थे और उसके बाद डायरेक्टली मैं चली गई थी उसको उसकी अबैकस की क्लास ड्रॉप
जॉब करने के लिए उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है घर आके, उसको इतना फटाफट खाना पड़ता है ना अपना स्नैक्स वगैरह, और 7 और 6:45 के अराउंड मतलब मैं चली जाती हूँ उसको ड्रॉप करने के लिए। आजकल सुरेश क्योंकि थोड़ा जल्दी आ रहे हैं घर, तो फिर उसको पिक करने के लिए 8:30 पे वो खुद ही चले जाते हैं, तो ये है कि मुझे दोबारा से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि इस टाइम पे भी ना अर्थ सो ही रहा होता है, उसकी नैप जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है इवनिंग की। और आज का क्योंकि प्लान था चाइनीज़ बनाने का, तो चलिए मैं स्टार्ट हो गई थी चाइनीज़ बनाने के लिए, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। चाइनीज़ बनाने में ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो कटिंग चॉपिंग में ही होती है, और काफ़ी कुछ चीज़ें आज घर पर मिसिंग थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और मैंने ना बहुत ताम झाम आज फैला दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने जो मंचूरियन की बॉल्स है ना वो बनाई थी, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स थी ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, यही सब ऐड करके बड़ी मुश्किल से मैंने बॉल्स बनाई थी, जिससे बस किसी भी तरह से बॉल्स है जो चिपक जाए, कहीं ये फैल नहीं जाए तेल में, मुझे बस इसी का ही काफ़ी ज़्यादा डाउट था। आज का दिन ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, मैंने बहुत कुछ आज कुकिंग कर ली थी सुबह से लेकर शाम तक, आज मैंने बहुत ही तामझाम किचन में फैलाया हुआ था। और लिटरली यार जब वेदर ऐसा होता है तो खाने का तो मन करता है, बट सही में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट ये है कि यार बच्चों के संग ऐसा लगता है कि चलो कुछ बना लिया जाए तो बच्चे भी थोड़ा सा हेल्दी खा लेंगे, हर टाइम या बाहर से ऑर्डर करना भी पॉसिबल नहीं होता ना, और फिर बाहर का भी बच्चों को कब तक देते रहो, तो वही है। तो इस वजह से चलो ठीक है, आज भी किसी तरह कुछ कुछ चीज़ें घर पर बन गई थी, जो फाइनली थोड़ा बहुत ठीक ठाक बन गया था। आज ना मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बस मंचूरियन बना दिया है, जो भी वेजिटेबल्स कट करी हुई थी ना डायरेक्टली इसमें डाल दिया है बस, और बॉल्स भी आज इतनी कोई अच्छी नहीं बनी है, बट नूडल के साथ मिक्स करके खाएंगे ना तो फिर इसका फ्लेवर आ ही जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी पास्ता, जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन और अनियन को अच्छे से सॉटे किया था, थोड़ा सा मैंने टोमेटो प्योरेस बना दी थी, पास्ता मैंने बॉईल कर दिया था, तो बस यही सब था। रेड सॉस पास्ता मैं बनाने वाली थी, जो भी सारे मसाले मैंने चाइनीज़ में होते ना बस वही सब यहाँ पर भी ऐड कर दिए थे, और फटाफट से मैंने थोड़ा सा पास्ता भी बना दिया था। तो आज की कुकिंग यार बहुत सारी हो गई थी और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बट सबको खाना बहुत सही लगा, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया था, सो ठीक है यार दिन काफ़ी अच्छा ही रहा। तो चलिए यार इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।